झारखंड के चंपई सोरेन सरकार में मंत्री बने दीपक बिरुवा का चाईबासा आगमन पर झामुमो कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने भव्य स्वागत किया। चाईबासा आगमन के दौरान मंत्री दीपक बिरुवा ने बंदगांव स्थित नकटी में शहीद मछुआ गागराई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के लिए आंदोलन के समय लोगों की जो भावना थी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के लिए जो करना चाहते थे उन कार्यों को गति प्रदान करना मेरी प्राथमिकता होगी। जनजातीय कल्याण के लिए जो कार्य अधूरा रह गया है उसे पूरा करेंगे। इधर झारखंड के कांग्रेस विधायकों के दिल्ली जाने पर सियासत गर्म है। इसी को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दलों के विधायकों को आम जनता की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र है। ये बजट की राशि खर्च नहीं होने का मुद्दा नहीं उठा रहे बल्कि सिर्फ खुद के लिए मंत्री पद की लॉबी कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में 2 महीने से भी कम समय बचा है लेकिन अभी 54% राशि खर्च होना बाकी है। इस मुद्दे को ना तो सरकार के मंत्री ना ही विधायक उठा रहे हैं। विधायक तो सिर्फ दूल्हे के फूफा के रूप में दिल्ली जाकर बैठ गए हैं और मंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। मंत्री भी दिल्ली गए। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों को जनता की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि अब जनवरी महीना बीत गया, सिर्फ 2 महीना बचा है इस फाइनेंशियल ईयर में, 54% राशि का खर्च होना भी बाकी है। 16,000 से 20,000 करोड़ के बीच की राशि सरेंडर होने जा रही है। कृषि विभाग का प्रदर्शन तो सबसे औसत है। इस मुद्दे पर विधायक कभी आवाज उठाते नहीं दिख रहे, लेकिन किसी को मंत्री पद नहीं मिला तो वो दूल्हे की फूफा की भूमिका में रूस कर दिल्ली जाकर जमे बैठे हैं। सरकार पंगु हो गई है। मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए थे, हालांकि वो दिल्ली से लौट गए हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायकों का फोकस सिर्फ सत्ता पे काबिज होना, मंत्री पद लेना है, लेकिन बजट की राशि खर्च नहीं हो रही है उस पर ना तो सरकार का ध्यान है ना ही विधायकों का ध्यान है। तो यही दिखाता है झारखंड में कि गठबंधन सरकार सिर्फ लूटना जानती है। वो तो बजट को भी नहीं खर्च कर पा रही है। आम आदिवासी मूलवासियों की तो उसे बिल्कुल चिंता नहीं। और ये जब तक गतिरोध सत्ता का खत्म नहीं होता तो प्रशासनिक व्यवस्था भी इसी तरीके से पंगु रहेगी। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेम को मोड़, धनबाद। एडमिशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।